हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्ते, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये है हमारा प्रसाद। मैहर गए थे, ये हम लोग नहीं गए थे, ये अकेले गए थे। वहाँ से प्रसाद लेकर आए थे तो हम सोचे कि चलिए जी, प्रसाद में क्या क्या आया है वो आप लोग के साथ शेयर कर दूँ, और आप लोग भी देख लो क्या क्या वहाँ से आता है। ये देखो, ये सिंदूर का डिबिया है, और ये चुंदरी उंदरी है, ये सब रोरी क्या क्या चूड़ी बिंदी सारी चीज़ें औरत वाली, और कलर भी है, ये पैर रंगने वाला कलर भी है, यही सब आया हुआ है। ये नारियल है, ये प्रसाद में है, ये सारी चीज़ें प्रसाद में वहाँ मिलती है। और यहाँ पे देखिए, ये हम लोग लचीदाना बोलते हैं, और ये मावा नहीं मखाना किशमिश, ये बहुत सारी, ये रक्षा है, नारियल है, मिश्री है, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे, टाइम हो गया है खाना बनाने का, तो मैं यहाँ पे राजमा की सब्ज़ी में बनाने जा रही हूँ। देखिए, मैं राजमा को बिल्कुल उबाल दी हूँ, और अच्छे से 80-90% मैंने उबाला है, 10% मैंने छोड़ा है, अभी कुक होगा इस सब्जी में। आलू को भी उबाल लिया है, अभी तड़के के लिए दे रहे हैं लाल मिर्च, लहसुन, मेथी, जीरा और खड़े मसाला, छत पत्ता, ये सारी चीज़ें देख करके हमने यहाँ पे तड़का लगाया है, छौंक लगाए हैं। यानी कि देखो, ये खड़े मसाले दिख रहे होंगे आपको। अभी ये सारी चीज़ें हो गई है तो हम दे देंगे यहाँ पर प्याज, बारीक कटी हुई प्याज देंगे। अब दोस्तों, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन सुनहरा होने तक इसको भून लेंगे। देखिए कितने सुंदर से भून गए, और हम बना रहे हैं। और यहाँ देखिए मसाले दे रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी मसाले हैं सब डाल दिए, सारे के सारे मसाले डाले हैं, ये सबसे छोड़ करके सब कुछ डाले हुए हैं, तो समझ लेना क्या क्या डाले हैं। ठीक है, लाल मिर्च, धनिया, लहसुन, प्याज, गरम मसाले, काली मिर्च, जीरा, हल्दी पाउडर, ये सारी चीज़ें, और जो छूट रहा है वो तुम मतलब आप इसे ऐड कर लेना। और यहाँ पे हमारे यहाँ काम चल रहा है दोस्तों, अभी काम बता दूँ कि क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पे पाइप डाला जा रहा है दीवार में, लाइट का वायर खींचने के लिए। अभी देखिए, साथ में मैं मसाला भून ही रही थी, बीच में गई थी वो भी चूज करने के लिए। और देखिए, हम मतलब मसाला हमारा 90-95% मतलब कुक हो चुका है। अभी आलू को मैंने क्रश करके इस तरीके से तोड़ करके, और इसमें मैं दे दूंगी मसाला में। इसके बाद हम दे देंगे राजमा, क्योंकि ये सारी चीज़ें कुक हुई हो गया है। और इसके बाद साथ में स्वाद अनुसार नमक देंगे, इसके बाद पानी देंगे, सबको एक साथ घोल करके 1-2 सीटी के लिए ढक्कन लगाएंगे। देखिए, 2 सीटी तक छोड़ेंगे, और ये हमारा बन गया राजमा। और ये धनिए से इसको दे देंगे स्वाद के लिए, अच्छा भी दिखेगा और स्वाद भी आएगा इसमें। और देखिए कितने सुंदर बनकर रेडी हो गया हमारा राजमा का सब्जी। हम पतले इसलिए रखे हैं ग्रेवी, ताकि हमें चावल के साथ भी खाना है और रोटी के साथ भी खाना है। तो देखिए, हमारे आँख देखो, ये आँख मेरे, ये आई फ्लू आजकल चला हुआ है ना, देखो मेरे आँख कैसे हो चुके हैं, बिल्कुल लाल लाल सी, पूरा अंदर चला गया है, दर्द भी कर रहा था। उसी टाइम मेरे बेटे ने फ़ोन किया था, वो वाला वीडियो डाले थे पहले, उसका 2 पार्ट किए हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो गया था। अभी मैं घर में ताला वाला दे करके मैं चली जा रही हूँ, यहाँ पे गाड़ियों में बैठ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा नहर है दोस्तों, देखिए कितना लबालब पानी भरा हुआ है, बिल्कुल एकदम जैसे लग रहा है कि आप हाथ से छू लोगे ऊपर से ही। और देखिए, हमारे खेत है, हम लोग सीवान कहते हैं, बहुत मतलब अच्छा लगता है, दूर दूर तक हरे भरे दिखते हैं। ये देखिए, हम लोग आ गए हैं रोड पर बिल्कुल, और रोड पर से आकर के फिर हम लोग अपने तियरा मार्केट कहा जाता है, वहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तियरा मार्केट से हम लोग देखिए अभी तुरंत मेन हाईवे पे पहुँचने वाले हैं, कि उसके दरवाजे पर ही इतने ज़बरदस्त
वाला मतलब ट्रैफिक लगी हुई है ना दोस्तों, अभी देख लेना आप। और यहाँ पे इनको जानने वाला कोई मिल गया है, उनसे बात कर रहा है कुछ। देखिए यहाँ पे ट्रैफिक कितना ज़बरदस्त लगा हुआ है, बहुत ही मतलब लोकल मार्केट है, छोटा मार्केट है, फिर भी इतने सारे मिल मतलब लगे हुए हैं ज़बरदस्त तरीके से ना, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। हम लोग यहाँ पे आधे पौन घंटे तक रुके हुए थे। अब खाली हो या अब खाली हो, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकल ही नहीं रही थी। अभी देखिए हम लोग, देखिए मैं क्या बोल रही हूँ, मैं इशारा कर रही हूँ कि सारे ट्रैफिक चले गए हैं सारे मतलब, और डायरेक्ट मैं बीच की बीच का मतलब रास्ते का मैंने व्यू नहीं लिया, क्योंकि वही मतलब खेत पानी सड़क पेड़ पौधे ये सब दिखते, इसलिए मैं डायरेक्ट वहाँ से चली आई हूँ अपने बेटे के स्कूल की तरफ। उसके रास्ते में हैं, बस 2 मिनट में पहुंचने वाले हैं। और ये सब बच्चे उसके स्कूल के हैं, जो छुट्टी हो गया है वो सब अपने घर जा रहे हैं। तो छुट्टी के समय में हम लोग आ गए हैं, देखो ये हमारे बच्चे आ गए, देखो ये आज़ाद है और ये शिवम है, और ये हमारा बेटा ऋत्विक है, और ये जो वर्दी में दिख रहे हैं ना, ये बॉडीगार्ड है यहाँ के, मतलब बच्चे को देखते हैं, स्कूल को थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं, देखते हैं। देखिए इनका नाम है महेंद्र जी, जो बच्चों को भी देखते हैं, केयर करने के लिए रखा गया है। अभी हम लोग बातें कर रहे हैं शायद उनसे, बुखार बाटे, बुखार बा छोड़ था, आवत छोड़ता तो वही ले वो दवाई के लिए ठीक रहे ना, हो गए ठीक रहे, फिर परसों दिन से आएगा, तो परसों दिन से आएगा तो दवाई मिल रहा है के खा लो, अगर बात देखो आना ही तो ब्लड चेक करा लो, सुई क्या ना ले ले खाता गरम का ना, अभी ठीक है, सुई क्या ना ले ले, अभी ना सुई ना ले ले, दवाई सुई ले ले मत, जल्दी ठीक हो जाई, कहवा लाली आए तहार रखिया कैसे, मत देखी तो तहार बुखार ना नहीं रहल, देखी तहार आंख आंख एक दिन खाती रहवा, देखी ठीक तो बा, एक दिन खाली जाते बा, हमर भाई रहे ओके लाल एकदम हो जाते हाय, ये हमारे बच्चे हैं, ये भी एक बच्चा है, देखिए दोस्तों ठीक हो बना हो घूमे अमाम के लोग अच्छा, और ये है ना ये सीएम को, हाँ। सीएम के को दे रही था ये दिनों खाली हाँ चल ठीक है, निकला के तना देखे हाँ। तो ये चल जाइए खत्ता में मिल जाए, चल लेकिन कमन हो आज जे तो लड़का कैसे जिया था ना जे, आज तो प्रोग्राम रात के लेकिन खाद चीट करे एक का देखे खुला तो नहीं अपन पनीर के सब्जी खा ले जाते रहे की पनीर के सब्जी मंगाए के पनीर के सब्जी नहीं के मुकात रहला जाए खाली सब्जी नहीं लई बड़े हां तो ऐसे टपटप उठा के खा ले जा, रोटी उठने के लिए हम कहन नहीं, हम नहीं खाना खा ले लुका बजा खा ले बर्तन ना, अभी बादरी बजे ओ तो उठा के खा ले जा, ठीक बाबा पेट भरन तब ठीक है, हल्की पीना ले ले जाई बा पीना बा, हां तो का छोड़ दे तो लोग बुलवा दे, हां तो नाश्ता करे के तो समय हो गेल बेटा तो खा ले जा, उठा उठा टपटप खा ले, ढेर रसा उतने के लिए आई कल ही सब ले खा जा, खा के पानी पी ले, देखा जा कैसा लगा था, मस्त लगा था ना बढ़िया, भौंको कर दे जा ठंडा तो ठंडा खाना पीला के बाद में कैसा लगा
ठीक लगे ना हम बना के ले ली हाँ मानी हम लइकन खइहा सब सब हम एक अरे अब टिफिन बेल पावे और कुछ किने के बा ना नाश्ता हो गए गई छुट्टी हो गई बा छुट्टी हो गई हो कौन लोग कुछ किने खाए पिए के नहीं ना सेओ ना किसे मंगा दी ना कुछ ना हाय करो हाय बच्चों हाय करो हाय पूछा बात तुम का लेकर भी सामने लेकर तो हम खा लेंगे हम हम खा लेंगे ना जाओ तो मैं और ये छुट्टी हो गई हाँ कहाँ घूमने ले उन्हें कहाँ छुट्टी है घूमने पता नहीं क्या ट्रॉल हो हमने क्या उठा लिया तो उल्टे हो गए बाहर होता अरे वो है करेला चल बोल कदा भाव कलाई को का खाई बा खाला अरे जूता वाए का छूट न कही के को जा दारा जूता ही रहा कैसे कर दा ओए दारा जूता वाए छूट न कही जूता बहुत बढ़िया खेले थे सम्राट सम्राट भन जी और कैसे को दे हो हे तर करो बोला हेलो दोस्तों देखो ना रे अब बबारी ना हाँ क्या बचा ना उसे ना बनो अरे गौरव हम उन्नत भी है अलग कर ये जूता हो मस्त बादाम बहुत खूबसूरत बाज जूता नहीं क्या ब्लैक है क्या व्हाइट अथु मुझे मस्त निमल लगी अच्छा बात क्यों व्हाइट है भाई तब अब आते ना मजे एक हफ्ता में एक हफ्ता में आओ के बाद पहले के हुआ तो भेजना दे हां ना जाई हां दुकान में तोरा बिल हो गई ना अंगूठा भरी निकल जाता ना हो हम बंद कर बाय बाय चल जा जल्द करे बाय बेटा का रे का चल बोल ना बात जय बात तू मजा जाए क्या एक हफ्ते में आवत रह जा हां जो 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 योजना बनाव त नहीं तो 100 रुपए देले बनी 100 रुपए देले बनी दे दे 100 रुपए ना हमरा हमरा काम ना बाला हम दे दे बाय दोस्तों अब ये लोग चले गए और हम लोग चले आएंगे अपने घर देखो चले गए ये लोग चले गए दोस्तों वहाँ पे देखो गए हैं ये लोग पाड़े जी आए थे ना हमारे घर जब छोटे छोटे बच्चे दो उठो आए थे उन्हीं का कपड़ा लिया गया था तो वो कपड़ा छोटा हो गया है तो उसको हम रिटर्न करके और बड़े साइज का लेंगे तो ये देखो वहाँ पर गए हुए हैं थोड़ा सा अंधेरा टाइप का दिख रहा है मैं अंदर से ही रिकॉर्ड कर रही हूँ दोस्तों मैं गाड़ी में ही हूँ वो लोग चले गए हैं अभी मेरे को गर्मी हो रही है पूरा पैक जैसा लग रहा है ना काफ़ी दिनों के बाद मैं इस ऐसी गाड़ी में बैठी हुई हूँ तो मुझे तो जैसे लग रहा है दोस्तों मैं क्या करूँ जल्दी आ नहीं रहे वो लोग वो देखो वहाँ पे खड़े हुए हैं ये देखो गाड़ी आ जा रही है वो देखो ये धूप देखो धीरे धूप कितना आया हुआ है देखो गाड़ी में भी धूप आया हुआ है अभी मेरे को बहुत गर्मी हो रही है मैं परेशान हो रही हूँ मेरे सर में दर्द होने लग रहा है और पता है दोस्तों ऐसी चीज़ों को हम छूते नहीं हैं डर के हमारे में छू नहीं रही थी कि विंडो कैसे खोले कैसे नहीं खोले ये लोग बता के भी नहीं गए थे इसलिए डर के हमारे छू नहीं रही पता नहीं बंद होने के बाद ऐसी चलती है कि नहीं चलती है पता नहीं सब कुछ बंद है कैसे मैं चलाऊँ इसमें ठंडा मुझे गर्मी हो रही है ठंडा नहीं लगा बिल्कुल बाहर जा नहीं सकते हैं क्योंकि गाड़ी आ रही है जा रही है बोल के गए तो चुपचाप बैठे रहो बाहर मत निकलना मैं ना बाहर आती जाती नहीं हूँ ना इसलिए हमको समझ नहीं आता है बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मिल जाता है दोस्तों तब पी लेते गाड़ी में पानी रखना चाहिए ना इन लोगों को ये लोग चल दिए हैं आ रहे हैं ठंडा पानी निकल के चला तो ठंडा पानी हाँ पानी ना पानी प्यास लगा हमें बंद गोल बड़े बीमार हो गई हम नहावा चलता पानी चलता ठंडा होता है ठंडा पानी के लिए स्थिर रही तो हम घड़िया देखता।
वाला बिस्कुटिया कहाँ कहाँ शेयर कर दिया। अभी ठीक है तो अभी चले गए हैं, तो ऐसे ही चालू करके गए हैं, तो उस टाइम तो मुझे लग रहा था कि मैं मरी जाऊँगी, इतना मतलब और मतलब क्या है उमस टाइप का हो रहा था, गर्मी जैसे लग रहा था कि कुछ मेरा तबीयत खराब जैसा होने लग रहा था। वो आए तो पूछे कि क्या गाड़ी है जैसे, मतलब ये चलेगा नहीं तो ऐसे नहीं चलूंगा क्या, उन्होंने बोला कि होता है क्या होता है तो बंद करके क्यों गए, गर्मी हो रहा था बहुत जोर से, और हम लोग बाहर जल्दी जल्दी नहीं निकलते, आदत तो है नहीं कि गाड़ी में हमेशा जो घूमता है तो वो अच्छा लगता है उसको, तो मतलब वो रह जाता है जैसे जैसे, हम लोग की बिल्कुल आदत नहीं है, हम लोग फ्रेश एकदम मतलब रहते हैं घर में खुले में रहते हैं, तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी में कभी बैठा ही नहीं है, गाड़ी में बैठी बहुत बार बैठी हूँ लेकिन बहुत टाइम के बाद बैठी है, ये मतलब ये रात है मतलब यही बात है, बच्चे सारी के सारी स्कूल से आ रहे हैं, छुट्टियाँ हो गई हमारे बच्चों का भी छुट्टियाँ हो गई, और क्या है ना कि तब उनकी आँख जो दिखाया आपको ना आँख की आँख में ये हो गया था लाल हो गई थी, और तब मतलब आँख खोलने और बंद करने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, तो वो मेरे को भी हुआ है जब ये 2-3 दिन पहले घर पे नहीं थे, तो मेरे आँख में ऐसे ही हो गया था बिल्कुल लाल लाल सा हो गया था, बिल्कुल ये सारी की सर लाल हो गई थी, और आँख मेरी छोटी पहले से ही है और छोटी हो गई थी बिल्कुल इतने पे मैं देख रही थी, तो इन बच्चों को भी हो गया था, तो हम लोग गए तो पहले दवाई ववाई खा करके सब ना बिल्कुल ठीक ठाक था, कुछ दिक्कत नहीं था, तो हम लोग भगवान कृपा करते उस पर थोड़ा पढ़ने वढ़ने में सही हो जाए, यही तो हर माँ बाप की तमन्ना होगी हमारे बच्चे पढ़ लिखे आगे बढ़े बस। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं घर जाकर के, इसके बाद हम अगर घर चले गए मतलब टाइम से तो मतलब वीडियो आगे रहेगा, नहीं तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलूंगी एक अच्छे से वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।